बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम आपको अनातोलिया का वो जगह दिखाएंगे और मालूमात देंगे जहां पे कदीम बादशाहों की तदफीन की जाती थी। और ये एक पहाड़ है जो बहुत मशहूर और मारूफ है, जिसे कोह नमरूद कहते हैं। कोह नमरूद पहाड़ है जो तुर्की के सूबा आदियमान में वाक़िया है। तुर्क लोग इसे आग का तारा कहते हैं, जबकि ये पहाड़ दुनिया के अजायबात में से 8वें नंबर पर है। ये पहाड़ तुर्की के जनूब मशरकी इलाके में सेहों के लिए ताई कशिश रखता है। कोह नमरूद सतह ज़मीन से 7000 फुट बुलंदी पर है और अपनी मुनफरिद तारीख के बायस अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसे आसारे कदीमा की फहरिस्त में शामिल किया है। कोह नमरूद पर यूनानी और ईरानी देवताओं के बेशुमार बुत भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इलाका यूनानियों और ईरानियों के शाही खानदान के लिए वक्फ था। यानी ईरानी और यूनानी शाही खानदानों की तदफीन इस जगह की जाती थी। कोह नमरूद पर तलूए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के दिलकश, दिलरुबा और खूबसूरत मनाजिर देखने के लायक होते हैं। और इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए सयाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं। इस जगह को हुकूमत ने नेशनल पार्क का दर्जा दे रखा है और हर साल यहाँ लाखों में सयाह तशरीफ लाते हैं। पिछले साल 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ 2 लाख से ज़्यादा सयाह आए थे, जिनमें मकामी तुर्की के सयाहों के अलावा दूसरे ममालिक के सयाह भी थे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ बुत जो हैं पत्थरों से तराशे गए हैं। तो ये कदीम यूनानी और ईरानी तहजीब के मुतल्लिक हमें आगाही फराहम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वॉच करने के बाद लाइक करें और कमेंट्स करें।